हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फी डायरी। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। बजे हैं 9:30। मेरी जो है अभी सब्जी भी नहीं बनी है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। और अभी बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मौसम ने आज हमारा सारा रूटीन चेंज किया है, जो हम कभी नहीं करते। आज हमने वैसा वैसा किया है। देखिए बाहर बारिश, अभी तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर पहले इतनी तेज आंधी और बारिश थी कि हम एक तो उठे लेट। आज उठे, फिर हमने जो है चाय वाय पीने के बाद ना तो आज हम वॉक जा पाए हैं, और योगा का तो दिमाग में आया नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे जो है हमें लगता है हमारा वॉक का डे होता है, क्योंकि योगा क्लास होती नहीं है। तो जो है चाय पीने के बाद हम समझ ही नहीं पाए क्या करें, मौसम इतना अच्छा और मतलब ऐसा था कुछ करने का मन ही नहीं किया। तो पता है आज हमने क्या किया है, मैं आपको बताती नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरह मौसम जो है आज सुबह से ही कूल हो चुका है, अच्छी सी बारिश। और आज है 27 मई, तो मई के महीने में इस तरह का मौसम, ठंडा सा, थोड़ा कुछ अलग सा ही फील है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाली हूँ जो आज पहली बार हमने की है जिंदगी में इस टाइम सुबह सुबह। और ये देखिए, ये है वो चीज़। आज हमने सुबह से ही टीवी ऑन कर दिया है, हम एक सीरीज देख रहे थे तो उसके कुछ एपिसोड बचे हुए थे, तो हमने जो है सोचा कि चलो उसी को देख लेते हैं। और ये मौसम का लुत्फ लेते हुए यहाँ से हमने यहाँ बैठ कर चाय पी, और चाय पीने के बाद जस्ट हमारे दिमाग में आया कि यार क्या करें, तो हमने किया सिर्फ टीवी ऑन। और टीवी ऑन करने के बाद हमारी चल रही है ये सीरीज, और ये कम्प्लीट ही होने वाली है। तो दूध भी लेट आया आज, और अभी सारे काम ही लेट हैं। फाइनली वो लड़का भी आ गया है, गाड़ी वगैरह साफ करेगा, थोड़ी सफाई होगी, एटलीस्ट काम स्टार्ट होगा। और टाइम देखिए आप, इस टाइम तक जब भी ऑफिस निकलने का टाइम हो जाता है, मेरा लंच ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी हो जाती है और आधी सफाई भी हो जाती है। और आज अभी दिन निकला ही हो, कुछ इस तरह का फील है। बच्चे अपने में मस्त हैं, हम अपने में मस्त हैं। मतलब आज ऐसा हो गया जैसे कहीं हम बाहर छुट्टी पे आए हैं, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा है, चेंज। तो ये देखिए आज बारिश ने क्या किया है, देखिए कितनी तेज़ बारिश थी और कितनी तेज़ हवा के साथ वो आई थी। तो पानी जो है वो यहाँ तक आया है, और ये टीवी रैक के नीचे से होते हुए, और ये देखिए इसकी कंडीशन, देखिए टीवी रैक, मतलब आज तो बारिश ने ना अंदर तक धावा बोल दिया। ये देखिए क्या हालत हो गई है, पूरा गेट, ये देखिए पूरा का पूरा गेट हमारा क्या हालत खराब की है। अब बताइए आज की क्या तूफानी बारिश थी, ये पूरा मैट गीला हो चुका है, और ये गेट बंद होने के बावजूद हाल से, और कितना पानी भरा हुआ है, कितना अभी भी, अब फिर से हवा चलने लगी है, थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी हवा। ये ओलियो, इसके तो मजे हैं, सिर्फ इसके मजे हैं जिंदगी में। न्यू बारिश हो रही, ओलू ने आज बहुत सारा काम किया है, और उन्हें आज बहुत सारा काम किया इसलिए थक गया अभी, है ना। और ये चला है सफाई अभियान, कितनी मिट्टी यार, कितना बुरा हाल कर दिया आज बारिश ने। फ्रेंड्स आज हम ना निकले हैं, एक हमें ना एक जगह देखने के लिए जाना था, किसी ने बताया था कि आप वहाँ जाइए देख के आइए, तो हम निकले थे, तो जितनी दूरी पर वो बताई गई थी उससे ज्यादा दूर वो निकली। और अभी ना क्या हुआ था, गाड़ी के सामने से एक बंदे ने ऐसा कट लिया कि मतलब हम हैरान रह गए, देखो लोग किस तरह कट ले सकते हैं, मतलब हम अलर्ट ना हो तो शायद एक्सीडेंट हो जाए। देखिए हम निकलते काफी दूर पहुंच चुके हैं, लगभग गाजियाबाद के आसपास ही हम पहुंच गए थे। और जब हम वहां पहुंचे तो हमें जो चीज चाहिए थी, मतलब जो चीज हमें देखनी थी, वो चीज हमें ना तो पसंद ही आई है ना ही उतना मजा आया। तो अब हम जा रहे हैं वापसी में, तो रास्ते में ना एक मिठाई की दुकान है जो काफी फेमस है, तो वहां से हमने ली थोड़ी सी मिठाई। फ्रेंड्स हम निकले थे किसी काम से, काफी दूर पड़ा, और वहां पहुंचे धक्के मुक्के
पूरी गाड़ी में हम हिल डुल गए, इतना गंदा रास्ता। और जहाँ हम पहुंचे वहाँ पे हम जिस काम के लिए वो हमारा काम भी नहीं हुआ, मुझे सही नहीं लगी। तो हम वापसी में ना हमारी हालत खराब करके खाना हिल डुल के ऐसे थकान हो गई, जैसे पता नहीं कितना लंबा चल के आए, कहाँ का रास्ता है, कैसा रास्ता है। और आज हम वापस से आए हैं दीक्षा स्कूल, और यहाँ से हमें लेनी है टीसी। और आज दीक्षु का बिल्कुल यहाँ से ना एक कनेक्शन जो था वो भी आज हम एकदम ख़त्म करने वाले हैं। आज टीसी भी मिल जाएगी और स्कूल से भी बिल्कुल जुदा जुदा हो जाएगी। तो आज हम आए हैं दीक्षु की टीसी लेने के लिए, और आज दीक्षु बिल्कुल यहाँ से रिश्ता तोड़ के जा रही है। कुछ दिन पहले तो आना ही बंद हो गया था, अभी जो छोटी सी एक जुड़ाव थी, एक लग रहा था कि हाँ इसके लिए जाएंगे, वो भी आज खत्म। अब दीक्षु यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुकी है और अब ये कॉलेज की तरफ बढ़ेगी। अब लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। जो था यहाँ पे अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये देखिए, आज दीक्षु ने कह दिया स्कूल को अलविदा। दीक्षु मिली अपने फ्रेंड से, इसने किए थोड़े से फोटोज, और अब हम आ गए हैं मॉल में। हम वेनिस मॉल पहुंच चुके हैं क्योंकि हम निकले हुए थे, तो सोचा थोड़ा घूमते हैं, चलो जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कुछ नई आई हैं क्या। तो हम आ गए हैं अभी H&M में क्योंकि दीक्षु को कुछ अपने टॉप्स वगैरह लेने थे। तो अभी हम देख रहे हैं, और यहाँ पे देखना यानी कि मतलब इतनी एनर्जी वेस्ट होती है ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हम सारी जगह ही जाके देखते हैं और कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगेगी। तो वो देखते देखते काफ़ी देर हो गई थी और दीक्षु ने कुछ कपड़े ले लिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने स्लीपर्स लेने के लिए। यहाँ मैं ट्राई कर रही हूँ, देखिए कई तरह की मैंने चीज़ें ट्राई की हैं। तो मैं लुक के साथ साथ थोड़ा कम्फर्ट पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप स्लीपर्स में आप सिर्फ लुक पर ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन अगर हमें पहनने पड़ जाए तो पैरों में दर्द होने लगता है। तो इसलिए हर तरह से हमने चेक किया और तब हमने जो है एक स्लीपर ले भी लिए। बाकी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया है और अब हम बाहर आ गए हैं। और देखिए हमारे चेहरे पे कोई एनर्जी नहीं है, इतने थके हुए हैं ना, बहुत जल्दी थकते हैं। और देखिए हिम्मत रखते हैं हर तीसरे दिन मार्केट आने का। दीक्षु मुझसे पहले और मैं दीक्षु से पहले दोनों की शक्लें ऐसी हो रही है, मन कर रहा है कुछ खा लें या ना खाएं या पहले काम खत्म कर लें। हम सिर्फ मार्केट खाने आते हैं गाइस। मार्केट खाने नहीं, मार्केट को आप खा नहीं सकते हो। हाँ मार्केट में खाने आते हैं। तो पहले हम ना थोड़ी सी हिम्मत रखते हुए कुछ और जो भी हम सोच रहे हैं देखते हैं, नज़र मारते हैं। हमने दो आइटम अभी, दीक्षु ने अपने कुछ कपड़े लिए और मैंने अपने स्लीपर लिए, और उसके बाद अभी हम ऐसे ही घूमने आए थे। वैसे तो ज़्यादा कुछ लेना था नहीं यहाँ से मुझे, क्योंकि मुझे परसों तरसों जब भी होगा दो तीन दिन बाद मुझे जगत फार्म भी जाना है, तो मैं फिर आपको मार्केट में मिलने वाली हूँ। तो देखिए इसके बाद हमने थोड़ी सी हिम्मत करके हम गए बीबा पे, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी छूट थी। तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं कुछ कुर्तियाँ वगैरह अगर अच्छी मिल जाती हैं। तो वहाँ भी हमने देखा एक दो कुर्ती मिली, और उसके बाद हम सीधा पहुँचे फोर्थ फ्लोर पे जहाँ पर तक खाना हमारा, हमें खाना तो जरूरी था तो हमने खाना ऑर्डर किया। और जब तक हमारा खाना आ रहा है तब तक मैंने ये इधर आके थोड़ा चेक किया कि यहाँ गेमिंग एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ एक्टिविटी जोन है इनका, काफ़ी सारी चीज़ें थी और काफ़ी लोग थे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं। खाने की तलाश में, क्योंकि मैं आज लंच नहीं बना पाई थी, जल्दी निकलना था घर से। और बच्चों ने कुछ छोटा मोटा बना लिया था, लेकिन बच्चों को लगता है कि मम्मी गई है बाहर थोड़ा लेके आने के लिए। मैं बैठी थी वाओ मोमोज की, तो उनके लिए मैं भी थोड़ा सा खाना पैक करा देती हूँ। मेरा ना ये ऐसा लग रहा है इधर साइड एक सारा स्वेल कर गया है, तो कोई गंदी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है भूल भी नहीं पा रही प्रॉपर। मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, और मैं निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था इतना वक्त लगेगा। मैं 1 बजे से यहाँ पर हूँ और अभी जो है काफी देर हो चुकी है। ये देखिए ये लोग ना कितनी मेहनत करते हैं, ये देखिए पूरे इनको जो ना ये पिलर पे पेंटिंग करनी है, और ये ना कई सारी पेंटिंग कर चुके हैं, और ये लगता है सारे ही पिलर्स पे करने वाले हैं। बड़े ब्यूटीफुल से पेंटिंग्स बनाते हैं ये लोग, बहुत ही मेहनत का काम है। देखिए कितने धूप में, ये देखिए कितने पेंट के डब्बे रखे हैं,
और इनके डिजाइन उस पे बनाना इतनी गर्मी में, मतलब हिम्मत की बात है यार, हिम्मत की। और जैसे ही मैं घर आई हूँ तो देखिए ये क्या हालत हो गई है मेरे किचन की। यहाँ पे ना हमने आरओ चेंज कराया है क्योंकि उससे हमें ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी, पानी अच्छा नहीं था उसका, तो हमने चेंज करा के वापस से करंट आरओ लगवा लिया है। और मुझे ना कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, तो अब मुझे नहीं पता मैं कब सो गई हूँ, तो दीक्षु ने जो है मेरी वीडियो बना ली थी। तो अब नेक्स्ट डे हम आए हैं अपने उस खेत में जहाँ पे हमने कभी सब्जियां बोई थी, और सब्जियां तो नहीं हुई हैं, और ये देखिए क्या हालत है यहाँ पर जंगल की तरफ, क्योंकि हवाएं चली हुई हैं, मौसम भी ठीक लग रहा है, तो सोचा जंगल ही घूमाते हैं थोड़ा सा। अब इस जंगल में हमें देखिए गेट पर ही कितना सारा कुछ है, और टमाटर आए हैं, लेकिन देखो गेट पर ही टमाटरों ने धावा बोला हुआ है भाई साहब। ये देखिए ग्रीन टमाटर कितने अच्छे मोटे वाले हैं। तो देखिए हम घास से होते हुए पूरा घना जंगल है, तो यहाँ काफी डर भी लग रहा है क्योंकि आजकल ना स्नैक्स वगैरह भी काफी आ जाते हैं, और ये एक दो बेल दिख रही है। और मुझे देखिए इस घास में से मैंने पुदीना ढूंढा है, और थोड़ा सा मैंने पुदीना तोड़ लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, मैं दो तीन दिन बाद मार्केट जाऊंगी, जगत फार्म जाऊंगी, तो मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ। और ये देखिए मुझे कुछ कपड़े डाई कराने थे, कलर उनके मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने चेंज करा दिए हैं। कुछ दीक्षु के थे, कुछ मेरे थे, और मुझे छोटे छोटे बहुत सारे काम थे जो कि मैं काफी टाइम से छोड़ रही थी। मैंने कहा चलो चलेंगे, लेकिन आज फाइनली मैं आ गई हूँ, क्योंकि वो सारे काम करते करते ना इतना हम बिजी हो गए थे कि हमने जो है वीडियो बनाने का भी हमारे माइंड में नहीं आया। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और देखिए दीक्षु के भी हाथ भरे हुए हैं, मेरे भी हाथ भरे हुए हैं, इसलिए जैसे तैसे थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है। और देखिए आप हमारी कितनी थकान है चेहरों पे, और हमने दोपहर का टाइम मतलब 2 से 5, 5:30 बज गए, 3-4 घंटे खूब भाग भाग के हमने यहाँ काम निपटाए हैं। गाड़ी भी दूर खड़ी हुई है, पहुँचने वाले हैं। आज सच में इतना काम किया है ना कि आज वीडियो बनाने की भी फुर्सत नहीं मिली। बिल्कुल लास्ट में जब गाड़ी के पास हम जा रहे हैं तब मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ, और यही देखिए यहाँ पर है बढ़िया सा एक मंदिर। कई साल पहले इधर की तरफ से आई थी, तो ये जब उतना बड़ा नहीं बना हुआ था, और एक पार्क है जहाँ मैं कभी तुषार को, छोटा सा था तुषार तब, मैं उसको एक साल का था आई थी, तब लेके आई थी। मेहनत ये किया है हमने आज पूरी दोपहर में, और हम बहुत बुरे वाले थके हैं, भी घर पहुंचे हैं जस्ट गाड़ी से उतरने का, भी दीक्षु तो उतर ही नहीं रही है, मैं तो उतर भी गई हूँ। अभी जाके ना मन कर रहा है कोई चाय पिला दे, अच्छी सी तगड़ी सी कड़कड़ी सी कड़क चाय। लेकिन काम काफ़ी किया आज मैंने, अब मुझे लग रहा है जो मेरे पेंडिंग से काम थे वो हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी, अब मैं 10-15 दिन तो नहीं जाऊँगी कहीं भी, शॉपिंग करने तो नहीं जाऊँगी, ऐसे ही घूमने कहीं जाना हो तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन शॉपिंग मैं नहीं जाऊँगी या कुछ भी खरीदने तो वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट से आने के बाद मैंने बनाया खाना, तो हस्बैंड ने आगे बोला कि हमें कहीं चलना है उनके फ्रेंड से मिलने के लिए, जो कई दिन से बोल रहे थे वो हो नहीं पा रहा था। आज हम आए हैं उनके उस फ्रेंड से मिलने के लिए, और काफी लेट हो गया था, लेकिन अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह हमने ये वीक स्पेंड किया, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।